अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, उसका असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया है। तालिबान ने अफगानी महिलाओं को उनका हक देने का वादा किया था, लेकिन अब फरमान ये है कि महिलाएं घरों से ना निकले, क्योंकि अभी तालिबान के नए लड़ाके तमीज सीख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा तो हो गया है, लेकिन महिलाओं को लेकर तालिबान का रुख क्या होगा अभी ये तय नहीं है। तालिबान हालांकि उदारता की बातें कर रहा है, लेकिन बात शरिया कानून की भी हो रही है। तो क्या तालिबान महिलाओं को लेकर धीरे धीरे अपने असली एजेंडे पर आ रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के बयान से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानी महिलाओं को अभी घर पर ही रहना चाहिए। हमारी चिंता ये है कि हमारी फोर्स में जो नए और अच्छी तरह से जिन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सेनाएं महिलाओं को परेशान करें और उन्हें नुकसान पहुंचाएं। महिलाएं घरों में रहें, उनके वेतन का भुगतान उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। सुना आपने, शरिया कानून का कोड़ा तो महिलाओं पर बाद में चलेगा। अभी तो तालिबान के कब्जे में उनके नए लड़ाके ही नहीं है। तालिबानी खुद मान रहे हैं कि हालात उनके काबू में नहीं है। तालिबान की कल्चरल अफेयर्स कमेटी के सदस्य अहमदुल्लाह वसीक ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में जो कहा है, उसके मुताबिक महिलाओं के कामकाज करने से तालिबान को कोई समस्या नहीं है, बस उन्हें हिजाब पहनना होगा। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक महिलाएं अभी घर पर ही रहें। फिलहाल तो तालिब चुप है, कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर लोग से डर है और अमेरिकन लोग उधर है, थोड़ा डर लग रहा है, कुछ नहीं करेंगे। जब वो बाहर चलेंगे पर असली फिल्म का सिनेरियो शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तालिबान 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता में रहा। उस दौर में महिलाओं की हालत गुलामों से भी बदतर थी। ना तो उन्हें पढ़ने की इजाजत थी, ना ही सिर उठाकर जीने की। तो क्या इस बार का तालिबान राज पहले वाले तालिबान राज से अलग होगा? भरोसा करना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।